हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चेस गेम हम कैसे खेल सकते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे प्लेयर्स किस किस डायरेक्शन में कौन सी चाल चलते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको कुछ चेस बोर्ड की बेसिक जानकारी दे दूं। देखिए, आप देख सकते हैं चेस बोर्ड में हमेशा हमारे ब्लैक और वाइट स्क्वायर्स होते हैं ओनली। तो जो हमारे ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं वो हमारे 32 होते हैं, और जो हमारे वाइट होते हैं वो भी 32 होते हैं। इस टाइप से हमारे पास 32 + 32 = 64 स्क्वायर्स हो गए। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 8 मीन्स 64 स्क्वायर्स हो गए। मींस 8 तो हमारे इधर से हैं और 8 हमारे इधर से हैं, ठीक है। तो 8 और मल्टीप्लाई 8 कितने हो गए, 64। अब हम बात करेंगे इसके प्लेयर्स के बारे में। देखिए, जो चेस बोर्ड में हमारे यहाँ पे सिंबल्स प्रिंटेड होते हैं उसको देख के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको लगाने में कोई दिक्कत हो तो अभी हम बात करके उसको बता ही देंगे कि कैसे कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर्स के नेम याद कर लेते हैं। देखिए, इस टाइप के जो भी हमारे प्लेयर्स होते हैं जितने भी, इन सबको हम बोलते हैं पाउन। पाउन का मतलब हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं प्यादे, ठीक है। तो आगे की साइड जो हमारे होते हैं वो पाउन ही लगे होते हैं, ये हमारे काउंटिंग्स में 8 होते हैं। इसी टाइप से ब्लैक के भी हमारे 8 पाउंड्स होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 8 पाउंड्स हमारे वाइट के और 8 पाउंड्स हमारे ब्लैक के, ये हमेशा सेकेंड लाइन की तरफ लगे होते हैं, मीन्स इधर की साइड, ओके। अब देखिए, इसके पीछे जो मैंने पावरफुल प्लेयर्स होते हैं वो रखे होते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं ओरिजिनल में जब हम राजा या फिर किसी भी अच्छी खासी स्टोरी के बारे में बातचीत करते हैं तो जो हमारे सैनिक होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, और जो भी हमारे हाई रेटेड पावरफुल प्लेयर्स होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो चेस का भी बस यही रूल है, जितने भी हमारा राजा है, वजीर है, ऊंट है, वो सब हमारे बैक साइड रहेंगे, आगे हमारे क्या रहेंगे, सैनिक। जिससे पहले हमारे ऊपर हमला होता है तो कौन लड़ता है, सैनिक, बाद में हमारे बाकी के पावरफुल प्लेयर्स निकल के आते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये पाउन है ये हमेशा 1 कदम या 2 कदम चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। आप सोचिए 3 कदम चल ले, ऐसा नहीं हो सकता। तिरछा चले, ऐसा नहीं हो सकता। ओनली 1 कदम 2 कदम, वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसके अलावा ये और किसी भी तरीके से नहीं चल सकता, ठीक है। सपोज दैट ये यहाँ पे हो और जो हमारा ये वाला हो ये यहाँ पे हो, अब इसको और आगे जाना हो तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारा आगे नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर ये वाला प्यादा यहाँ पे होता तो ये इसको तिरछाई में मार सकता, ठीक है, ये यहाँ पे हो इसको मार सकता है, ठीक है। तो कहने का सीधे मतलब ये है, अगर इस प्यादे को आगे जाना हो, ठीक है, तो ये फलांगेगा नहीं, मीन्स फलांगे नहीं जा सकता। या तो ये अपने राइट साइड वाले को मारे या फिर लेफ्ट साइड वाले को मारे, मार के बाहर हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो मीन्स ये कभी भी फलांग नहीं सकता। आई होप आपको इसकी चाल क्लियर हो गई होगी। और इसी के बारे में अगर हम बातचीत करें, सपोज एट किसी भी तरीके से ये चलते 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 बिल्कुल एट लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में ये होता है जो हमारी ये वाली लाइन होती है, ठीक है, मेन जो लाइन होती है उसमें से अगर हमारा कोई भी प्लेयर मर गया हो तो ये किसी का भी रूप ले सकता है। अगर सपोज एट बाहर हमारा घोड़ा हो या फिर हाथी हो तो ये हमारा इसका रूप ले सकता है, यहाँ पे इसको रख दो या फिर इसको रख दो, वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। एंड अभी मैंने नेम तो सारे बताए नहीं। देखिए, ये हमारा क्या होता है, पाउन, इसको हम बोलते हैं हाथी, इसका मतलब हुक इंग्लिश में। ये होता है हमारा घोड़ा, इसको हम बोलते हैं नाइट। देखिए, ये हमारा होता है ऊंट, इसको हम बोलते हैं बिशॉप। ये होती है हमारी रानी, इसको हम बोलते हैं बजीर। ये होता है हमारा राजा, किंग, और जो रानी होती है इसको तो आप नेम जानती हैं, क्वीन बोलते हैं। ये अगेन वही बिशॉप, ये नाइट घोड़ा, एंड ये हाथी। देखिए, अब हम क्या करते हैं, इनकी चाल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये पाउन की चाल तो समझ में आ गई, उस टाइप से अगर हाथी बाहर निकल के आता है इसको हम क्या बोलते हैं, हुक। तो इसकी चाल क्या होती है, ये हमेशा सीधे डायरेक्शन में चलता है,
मीन्स आई शेप में, या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं होता। सपोज दैट ये इसको ऐसे चलाना चाहो, ये रूल के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा घोड़ा मीन्स नाइट। ये कैसे चलता है, ये हमेशा एल शेप में चलता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड इधर एल शेप में चलेगा, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड, ये हमारा इधर की साइड चलेगा, मीन्स हमेशा एल शेप में चलता है। अब इधर से इसको चलना हो तो देखिए 1 2 3 चल लिया, तो ये हमेशा एल शेप में चलता है। और जो हमारा ऊंट होता है वो देखिए हमारे दो होते हैं, एक तो ब्लैक पे रखा रहता है, एक वाइट पे रखा रहता है। तो ब्लैक वाला तो हमेशा ब्लैक की लाइंस में ही चलेगा, ठीक है, और जो हमारा वाइट वाला होता है वो हमेशा हमारा वाइट वाली ही लाइन में चलेगा, या तो ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, वाइट में ही चलेगा बस, ठीक है, और ब्लैक वाला हमारा ब्लैक में ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात आती है हमारी क्वीन की मीन्स वजीर की। ये हमारी शतरंज की, चेस की सबसे पावरफुल प्लेयर होती है, मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है सिर्फ इसकी चाल्स को छोड़कर। देखिए ये स्ट्रेट भी जा सकती है, लेफ्ट राइट इनक्लाइंड वे में, कि जैसे चाहे वैसे जा सकती है, जितनी दूर तक चाहे उतनी दूर तक जा सकती है, इसके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन जो हमारा राजा होता है, ठीक है, ये हमें हमेशा हमारा एक ही कदम चलता है बस। इसके बाद वजीर जैसी सारी चाल चल सकता है, सीधे तिरछा, इधर की साइड, पीछे की साइड, बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्स वाई जेड, बट ये कभी भी दो कदम एक साथ नहीं चल सकता, ये हमेशा एक कदम ही चलेगा। आप सोचें ऐसे दो कदम चल ले, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो रहे हमारे चेस के रूल्स। आप गेम को जीतते कैसे हैं और खेलते कैसे हैं, देखिए किसी भी कंडीशन में हमें राजा को हराना होता है। राजा को हराने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम मार दें, मीन्स राजा कभी मरता नहीं है, चेस बोर्ड पे ही रहता है। हमें उसे टारगेट बनाना होता है, टारगेट बना के हम उसको फंसा सकते हैं और उसकी रास्ता क्लोज कर सकते हैं जिससे वो कहीं निकल ही ना सके। चेकमेट कैसे करते हैं, सपोज दैट ये आपका यहाँ पर हो, ठीक है, और आपका जो वाइट वाला ऊंट है वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी आप मान लीजिए, मीन्स इसकी ओर चेक पड़नी चाहिए। आपने पहले यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखिए, आपको चेक पड़ गई। अब राजा के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो अपनी चेक बचा ले, अगर वो चेक नहीं बचा पाता है तो उसकी फिर वो मेट कहलाएगी, मीन्स आप गेम जीत गए। तो अब जैसे कि ये वाला हमारा प्यादा यहाँ पे है, तो हमारा इससे इसको मार देगा, तो राजा ने चेक बचा ली। सपोज दैट कि यहाँ पे होता ही नहीं, ये पहले ही यहाँ पे पहुँच चुका होता और तब ये ऊँट हमारा यहाँ पे आता, तो आप देख सकते हैं जो हमारा गेम है हमारे हाथों में आ चुका है, हम जीत गए हैं इस गेम को। अब राजा कहीं पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि राजा को क्या करना होता है, चेक बचानी होती है। तो पहले ही हमें चालें सोच समझ के चलनी होती है, राजा को ये कदम पहले ही चल लेना चाहिए था जिससे वो इधर अपनी मेट बचा सके, ठीक है। अभी इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसकी ये मेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चाल में कोई कन्फ्यूजन हो, या फिर कैसे कैसे चलते हैं, आपको मतलब कुछ और पूछना हो, कुछ और आपकी क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चाल्स वगैरह क्लियर हो ही गई होंगी, फिर भी अगर कोई चाल रह जाती है तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा। देखिए ये आपके सारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स आप याद कर लीजिए 16 वाइट होते हैं और 16 हमारे ब्लैक होते हैं। आपको सारी चाल भी पता पड़ गई होंगी, कैसे जिंदा होता है वो भी आपको पता पड़ गया, कैसे कैसे एक एक कदम चलता है वो भी आपको पता पड़ गया, कैसे मारते हैं जो हमारा हाथी होता है वो आपको पता ही, सीधे चलता है, घोड़ा हमारे हमेशा एल शेप में चलता है और ऊँट हमेशा तिरछा चलता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट वन है। पार्ट टू में हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में, जिसका यूज करके आप चेकमेट तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। तो वेट करिए और हमारे पार्ट टू को देखिएगा। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत फटाफट मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।